हेलो माय लविंग फ्रेंड्स, वंस अगेन वी हैव स्टार्टेड ए न्यू फिजिक्स लेसन इलेक्ट्रिसिटी। माय लविंग फ्रेंड्स, आज हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का अध्ययन करेंगे। आइए देखा जाए कि इलेक्ट्रिसिटी के क्षेत्र में क्लास टेंथ और क्लास 11th और 12th के फिजिक्स में क्या क्या प्रोसेस है, क्या क्या दिया गया है और हमको क्या क्या स्टडी करना है। सबसे पहले हमने आपको ऑलरेडी बताया कि अपने YouTube चैनल पर सेव कर रखा है अलीमुद्दीन शेख कादरी, ये मेरा YouTube चैनल। और अपने YouTube चैनल पर मैंने ऑलरेडी मैक्सिमम टॉपिक को एक्सप्लेन किया है। आइए देखा जाए, यहां पर कुछ क्वेश्चंस को हम फाइंड आउट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी पर। अब ये सिंपल सा पॉइंट है, करंट क्या होता है, चार्ज क्या होता है। माय लविंग फ्रेंड्स, एम्पीयर क्या है, ये सारी डिफिनेशन मैंने ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल पर दे रखा है। और जो आपका नेक्स्ट पीरियडिक टेस्ट होने वाला है, इस पीरियडिक टेस्ट में इलेक्ट्रिसिटी क्लास 10th, क्लास 9th, ग्रेविटेशन, इन टॉपिक से कौन कौन से क्वेश्चन कैसे अराइज किए जाएंगे, किस प्रकार के क्वेश्चनों को आपको डील करना है, एक मॉडल सेट हम आपको बताने चल रहे हैं। क्योंकि इसमें ध्यान देंगे आप लोग कि बहुत ही लंबे प्रोसेस के क्वेश्चन नहीं होंगे, बहुत ही शॉर्ट लिमिट बेस्ड क्वेश्चन होंगे, एमसीक्यू भी नहीं होना है, बहुत ही कम समय तक के लिए क्वेश्चन पेपर को आपको करना है। आइए देखा जाए, तो मैंने अभी बताया आपको I इक्वल टू क्यू बाई टी होता है, I मीन्स करंट। तो यहां पर जो करंट I दे रहा है, I इक्वल टू क्यू, माय लविंग फ्रेंड्स, क्यू चार्ज होता है, चार्ज इक्वल टू नंबर ऑफ फ्लोइंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मीन्स क्यू इक्वल टू एन ई। हम सभी लोग स्टडी किए हैं कि क्यू इक्वल टू होता है एन ई, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और I इक्वल टू होता है, यहां पर देखिएगा, I इक्वल टू क्यू बाई टी, करंट बराबर होता है चार्ज अपॉन टाइम, चार्ज अपॉन टाइम। इसी पर एक छोटा सा क्वेश्चन दे रहे हैं हम आपको, बहुत ही इजी वे में, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। सपोज दैट इफ 500 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो थ्रू ए वायर फॉर 1 मिनट, फ्लो ए वायर फॉर हाउ मेनी मिनट, 1 मिनट मीन 60 सेकेंड, 1 मिनट। फाइंड द इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट आपको निकालना है। आपने देखा कि Q दिया इसमें 500, Q दिया कितना, 500 कूलम दिया है। और यहां पर आपको क्या फाइंड आउट करना है, I आपको फाइंड आउट करना है। I अगर आपको फाइंड आउट करना है तो आपने पढ़ा है कि I इक्वल टू होता है Q बाई टी के, Q इक्वल टू दे दिया है आपका 500 कूलम का, 500 कूलम का। और टाइम जो दे रहा है, टाइम जो दे रहा है वह दे रहा है कितना, 1 मिनट का। तो 1 मिनट को अगर हमने आपसे बताया 1 मिनट का दे रहा है, तो ये हो जाएगा 1 मिनट, 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड हो जाएगा। हम सेकेंड में कैलकुलेट करेंगे, यहां पर हमने 60 से इसको डिवाइड किया और ये हो गया 8.33, क्या निकला, 8.33 आई है करंट, आई का मात्रक, आई की यूनिट होती है एम्पियर, तो 8.33 एम्पियर हो गए, 8.33 एम्पियर, ये आपका एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये देखते हैं, ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चनों को लेंगे। अब हम अगला टॉपिक, हमने एक क्वेश्चन को ऑलरेडी यहां पर दिया है, फिर छोटे क्वेश्चन को और हम इस पर आपको बताना चाहेंगे। देखिएगा एक और क्वेश्चन, ए करंट ऑफ 0.5 एम्पियर दे रहा है, ध्यान दीजिएगा, करंट ऑफ आई दे रहा है, करंट ऑफ 0.5 एम्पियर, करंट कितना दे रहा है 0.5 एम्पियर, इज ड्रॉन बाय द फिलामेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 10 मिनट्स। तो यह एक इलेक्ट्रिक फिलामेंट में 10 मिनट के लिए फ्लो किया जाता है। फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लो थ्रू द सर्किट, दैट फ्लो थ्रू द सर्किट। तो इसमें क्या क्या दिया गया है, यहां पर करंट हमको दिया गया है, आई दिया गया है, और आई मैंने बताया आपको 0.5 एम्पियर दिया गया है। I कितना दिया गया है, 0.5 एम्पियर दिया गया है। और हम पढ़े, हमने जाना, हमने कहा है आपसे, हमको जानकारी है कि I इक्वल टू होता है Q बाई टी,
तो अगर हम क्यू इक्वल टू निकालना चाहे माई लेवल तो क्या सॉल्टीप्लाई कर दीजिए आई इंटू टी क्यू इक्वल टू आई टी। हमको यहाँ चार्ज फाइंड आउट करना है, दिया है कि फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज मीन्स क्यू दैट फ्लो थ्रू द सर्किट, जो सर्किट में फ्लो कर रहा है। अब आपको निकालना है क्यू और दिया हुआ है टाइम कितना दे रहा है, ध्यान देंगे आप लोग क्यू क्यू इक्वल टू आई टी। तो यहां पर 10 मिनट का टाइम दे रहा है, तो आप देखिएगा 10 मिनट है तो अगर हम इसको सेकंड में जो है कन्वर्ट करें तो 10 मल्टीप्लाई टू 60 हो जाएगा और ये हो जाएगा 600 सेकंड हो जाएगा। क्लियर हो गया, आइए इसमें फिलअप कर दिया जाए, सिर्फ आप वैल्यू को पुट करना है। यहां पर देखिए क्यू इक्वल टू हो जाएगा आई टी, आई है करंट, करंट की हमने बताया 0.5 एम्पीयर दिया हुआ है, हो गया 0.5 मल्टीप्लाई टू आई टी, समय दिया हुआ 600 सेकंड। तो आप देखेंगे यहां पर कितना आ जाएगा, अब इसको आप इसमें जो है मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, मल्टीप्लाई करने पर आप देख लीजिए यह हो जाएगा 0.0560 हो गया डेसिमल, हो गया 300, क्या आया 300 कूलम आ गया, तो ये 300 कूलम आ गया। इस तरह से आपने क्यों देख लिया, क्यू इक्वल टू आई टी से सिंपल से फार्मूले से यहां पर आपने क्यों निकाल दिया, क्यू इक्वल टू आई टी से आपने इसको सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट पॉइंट पर आ गया, आइए डिस्कस किया जाए। अब हम आपको बता रहे हैं यहां पर मैंने सिंपल से पॉइंट पर डिस्कशन किया है। अब आइए जब हम रेजिस्टेंस को ऐड करते हैं जोड़ते हैं तो जोड़ने के लिए हमारे पास दो जो है दो मुख्य रूप से सीरीज होती है, एक को कहा जाता है इन सीरीज, एक को कहते हैं पैरेलल सीरीज। इन सीरीज में सारी सीरीज को का डिस्कशन मैंने अपने ऑलरेडी यूट्यूब चैनल पर कर रखा है और जिसको भी इसमें आपको जो है इलेक्ट्रिसिटी के लोअर बेस पॉइंट जिसको स्टडी करना हो हमारे यूट्यूब चैनल अलीमुद्दीन से कादरी से आप डिस्कस कर सकते हैं। आइए देखते हैं यहां पर इन सीरीज का फॉर्मूला बताया गया है, इन सीरीज आर इज इक्वल टू आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री अप टू आर एन, जितने भी हैं इन सीरीज में अगर एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक लगातार सीरीज में ऐसे जो है रजिस्टर लगाए गए हैं और आपको उसमें देखना है टोटल रेजिस्टेंस कितना हुआ, तो अगर एक के बाद एक के बाद एक लगाया गया है तो यह इन सीरीज बोला जाता है। क्या बोलते हैं इसको, इन सीरीज बोलते हैं। और पैरेलल उससे बोला जाता है जब एक के समानांतर एक ऊपर एक नीचे ऐसे पैरेलल लगाए जाए तो उसको हम पैरेलल सीरीज बोलते हैं। इन सीरीज के लिए जो फॉर्मूला दिया गया R इक्वल टू आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री अप टू आर एन तक, और पैरेलल सीरीज के लिए है 1 upon R equal to 1 upon R2 plus 1 upon R3 plus 1 upon R3 up to 1 upon RN, जहां तक दिया रहे जितनी भी रजिस्टर उसमें जो है कम्बिनाइज किया है। तो आइए इसी पर हमें क्वेश्चन को थोड़ा सा देखते हैं, यहां पर दिया जा रहा है देखिएगा कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस, कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस, आपको टोटल रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करना है कहां पर, इन गिवन डायग्राम आर गिवन सर्किट, कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस इन गिवन सर्किट, वेरी सिंपल क्वेश्चन। यहां पर आप देखिएगा कि यह करंट आई यहां पर आ रहा है और आने के बाद इसमें भी फ्लो कर रहा है, इसमें भी फ्लो कर रहा है, इसकी सर्किट जो है इसकी सर्किट ए और बी की बन रही है, इसकी सर्किट सी और डी की बन रही है। तो ए और बी यहां पर मैंने कहा कि इस तरह से देख रहे हैं आप जुड़े हुए हैं, तो इस तरह से इसकी जो सर्किट बन रही है यह इन सीरीज बन रही है, किस कौन सी सर्किट बन रही है, इन सीरीज। तो गिवन फिगर सबसे पहले हम आर वन देख लेते हैं, ये इन सीरीज में, इन सीरीज में क्या है ए प्लस बी है, ए प्लस बी है, ए प्लस बी देख लिया जाए ए की वैल्यू कितना दिया गया है 0.5 प्लस बी की वैल्यू दिया है 2.5, टोटल कितना हो गया 0.5 प्लस 2.5 इक्वल टू हो गया ये 3 ओम का। आर हमने निकाल लिया, रेशियो हमने निकाला इसका सिर्फ ए से लेकर के यहां तक जो है इस बिंदु तक हमने निकाल लिया और ए प्लस बी करके जो इन सीरीज में थे यहां पर हो गया 3 ओम। और सेकंड पॉइंट पर आइए डिस्कस करते हैं, अगर इस तरह से चलते हैं इधर से भी देखा जाए तो 3. अब सेकंड में यहां पर R2 पर देख रहे हैं 3.5 प्लस
8.5 इक्वल टू ये हो जाएगा टोटल 12, देख सकते हैं 5 5 10 जीरो हो गया, वन कैरी हुआ, 8 3 11 1 12 ये 12 का हो गया। तो यहां पर आपने देखा एक का इन सीरीज में आया इस तरह से, इस साइड से अगर हमने चले हैं इसका आ रहा कितना 3 ओम, और इस साइड से इसका सर्किट चले हैं इसका आ रहा 12 ओम। अब टोटल सर्किट का यहां से लेकर के ए से लेकर के डी तक के बीच का जो यहां पर फ्लो कर रहा है, तो इस पूरी सर्किट का अगर हम निकालना चाहें तो आप देखेंगे इन सीरीज ये है, इन सीरीज ये है, और ये दोनों मिलकर के पैरेलल हो जा रहे हैं। क्या हो जा रही है? पैरेलल सीरीज में हो जा रही है। आइए कैलकुलेशन किया जाए इनका भी, और कितना कैलकुलेशन मैंने कर ही लिया है। एक में आपने देखा कि 3 आया है 3 ओम का, और दूसरे में आपने देखा कि 12 ओम का आया हुआ है। अब इन दोनों को कैलकुलेट करते हैं, तो कैलकुलेशन के लिए अब हमारा ये पैरेलल में हो गया। पैरेलल हो जाने के बाद 1/r = 1/3 + 1/12 माय लर्निंग फ्रेंड्स, यहाँ पर 12 हमने जो है एलसीएम कर दिया इसका, 3 5 3 4 12 4 + 1 = 5/12 तो 1/r = 5/12 since r = 12/5 तो यहां पर आप देख सकते हैं 2.4 कितना आया, ये 2.4 ओम का आ गया। कितना आया? 2.4 ओम का ही आ गया। इस तरह से एक कैलकुलेशन सिंपल सा मैंने करके दिखाया आपको। अब ये आपके जो है इस एग्जाम के लिए करंट जो एग्जाम आने वाला है इसके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। आइए अब दूसरी सर्किट को बनाया जाए, नेक्स्ट सर्किट को बनाकर उस पर हम डिस्कस करते हैं। दिया गया है, पहले आप क्वेश्चन देख लें, सिंपल सा क्वेश्चन। 3 रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस 12 ओम 6 ओम एंड 4 ओम, 12 ओम 6 ओम एंड 4 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल, एक दूसरे के पैरेलल में कनेक्ट हुए। आइए देखते हैं कैसे कनेक्ट हुआ है। यह है, यहां से देखा जाए तो यहां पर आया ए पॉइंट पर, यहां पर 1 हो गया, ये 2 हो गए, और ये यहां से ऐसे चलेंगे हम 3 हो गया। अब यहां पर आपको कनेक्ट करना है पैरेलल में, हम तीनों को एक दूसरे के पैरेलल कनेक्ट कर रहे हैं, ध्यान दिए रहिएगा आप मिस्टेक ना होने पाए। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, यहां पर ए पॉइंट आया, यहां पर बी पॉइंट आया, कैसे आपने दिया तो पहले पर कितना बता रहा है 12 ओम, R1 कितना बता रहा है 12 ओम, R1 बता रहा है 12 ओम, R2 कितना बता रहा है, R2 इसका बता रहा है 6 ओम, और R3 इसका बता रहा 4 ओम, R3 थर्ड रजिस्टर ये कह रहा 4 ओम का है। इस तरह से माय लर्निंग फ्रेंड्स बहुत ही सिंपल है, ऐसे कितना ही क्यों ना लगाए रहे, सारे पॉइंट्स की जानकारी हमको है, हम आसानी पूर्वक इसका कैलकुलेशन कर लेंगे। हमारे पास फार्मूला है 1/r = 1/r1 + 1/r2 + 1/r3 up to 1/rn तक। तो आइए देखते हैं कि यहां पर 1/r से कैलकुलेशन किया जाए, क्योंकि पैरेलल में है तो पैरेलल के लिए हम 1/r से कैलकुलेशन करेंगे। 1/r = 1/12 पहला ही दिया गया है, इसको हम कहेंगे 1/12 + 1/6 + 1/4। इस तरह से आपने देखा कि यहां पर हमने कर दिया इस तरह से कैलकुलेशन, 1/r = 1/12 + 1/6 + 1/4, और इस तरह से हमने एलसीएम ले लिया, 12 हो गया 1 + 2 + 3 हो गया 1 2 3 3 6 6/12, तो यहां से कैंसिल करके 6 6 6 6 2 12, 1/r = 1/2 since r = 2/1 means r = 2। टोटल रेजिस्टेंस कितना निकल गया 2 ओम, कितना निकल गया 2 ओम। तो आपने देखा कि बहुत ही आसानी से इसको या इस प्रकार के जो भी न्यूमेरिकल दिए जाए बहुत ही आसानी पूर्वक आप इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं। इसके बाद मैं आपको कुछ और पॉइंट्स बताना चाहूंगा कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पर, कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कभी कभी पूछ देते हैं कि व्हाट इलेक्ट्रिक करंट क्या है,
तो अगर डिफाइन करते हैं इन द प्रोसेस ऑफ जो है, अगर ये पूछा इस तरह से क्वेश्चन पूछ रहा है कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो इसका प्रोसेस इसके में इसका सिंपल सा डिफिनेशन मैं आपको बता रहा हूं। द प्रोसेस ऑफ डिसिपेशन ऑफ सोर्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट इज कॉल्ड हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हीट के द्वारा फ्लो करके उसमें हम इलेक्ट्रॉनों का मूवमेंट करें, हम किसी ऑब्जेक्ट को लेते हैं, हीट करते हैं, हीट करने पर उसके अंदर से जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनका मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है, तो ऐसी कंडीशन में हम ये कहते हैं कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यहां पर भी आपने सिंपल सा, बहुत ही सिंपल सा फार्मूला देखा, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी होता है, इसको आप जो है क्यू इज इक्वल टू आप यहां पर आई टी देखे हैं तो, और डब्ल्यू इज इक्वल टू वी बाई क्यू होता है, तो यहां पर V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, V इज इक्वल टू विभवांतर बराबर कार्य बटा आवेश, V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, सिंस W इज इक्वल टू हो जाएगा V इंटू क्यू, V इंटू क्यू हो जाएगा, और फार्मूला एक आपने देखा V इज इक्वल टू क्या होता है आई आर, और Q इज इक्वल टू आई टी, ध्यान देंगे तो यहां पर अगर हम W निकालना चाहें, W निकालना चाहें तो W हो जाएगा V इज इक्वल टू आई आर, W इज इक्वल टू वी आई टी, डब्ल्यू इज इक्वल टू हो जाएगा, पहले इसको V को देखा जाए V V और Q, V इज इक्वल टू आई आर प्लस Q इज इक्वल टू आई टी, तो यहां पर आप देख रहे हैं इंटू दिया गया है, इंटू कर दिया आपने, ये हो गया आई इंटू आई इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, तो यहां पर डब्ल्यू इक्वल टू आपने फॉर्मूला फाइंड आउट किया कि आई स्क्वायर आर टी जो है क्या फॉर्मूला फाइंड आउट किया, डब्ल्यू इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, ये आपने निकाल दिया, जो टोटल वर्क आपको कैलकुलेट करना था उसको आपने यहां पर कैलकुलेशन कर लिया। इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है, इस पर भी जो है आपसे क्वेश्चन एराइज किया गया, इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है और पावर को किलोवाट में मेजर किया जाता है, 1 kW इक्वल टू 1000 वाट, 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट होता है, 1 किलोवाट 1 kW किलोवाट इक्वल टू 1000 वाट, इस तरह से सिंपल सा, बहुत ही सिंपल सा ये फार्मूला अगर आपको याद रहेंगे तो आप आसानी पूर्वक निकाल सकते हैं। तो यहां पर अगर दिया जाए कि अगर आपसे इलेक्ट्रिक पावर पूछ रहा है, पावर इक्वल टू हो एच बाई टी, P इक्वल टू होता है H अपॉन T, तो यहां पर इस पर भी आप निकाल सकते हैं, H अपॉन T इक्वल टू होता है W by T के, तो आपने देखा कि P इक्वल टू हम W by T भी लिख सकते हैं और P इक्वल टू H अपॉन T भी लिख सकते हैं, तो दोनों से चाहे वर्क दिया रहे तब भी आप निकाल सकते हो या पावर दिया रहे तब भी आप निकाल सकते हैं या H दिया रहे तब भी आप निकाल सकते हैं, तीनों में से कोई एक दिया रहे, कोई दो दिया रहे तो आप एक को आसानी पूर्वक फाइंड आउट कर सकते हो। इस तरह से आपने देखा कि यहां पर सामान्य रूप से हम कैलकुलेशन करते हैं, सिंपल सा कैलकुलेशन मैंने आपको बताया और सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, आइए इस पर जो है एक सिंपल से क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया जाए, देखा जाए, फिर हम अपना अगला टॉपिक देखते हैं ग्रेविटेशन का, माय लविंग फ्रेंड्स। तो ये आप जो देख रहे हैं इसको बहुत ही आसानी पूर्वक, बहुत ही सिंपल से पॉइंट पर आप ध्यान देंगे, बहुत इजी वे में ध्यान देंगे, क्योंकि ये बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट नहीं बताया जा रहा, बहुत ही सिंपल पॉइंट बताया जा रहा है। तो देखिएगा, थोड़ा सा मैं न्यूमेरिकल स्टडी कर रहा हूं, एन इलेक्ट्रिक आयरन ऑफ रेजिस्टेंस, हम जो पढ़ रहे हैं आप उसको ध्यान से सुनेंगे, एन इलेक्ट्रिक आयरन ऑफ रेजिस्टेंस 20 ओम, कितना रेजिस्टेंस है 20 ओम का है, टेक्स ए करंट 5 एम्पियर, करंट कितना लिया जा रहा 5 एम्पियर का, कैलकुलेट द हीट डेवलप्ड इन 30 सेकंड, आपको 30 सेकंड में हीट डेवलप का कैलकुलेशन करना है, ये देखा जाए इसको बहुत ही सिंपल, आर कितना दिया हुआ 20, रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है इसमें, आर दिया हुआ है 20 ओम, रेजिस्टेंस मिल गया आपको 20 ओम का रेजिस्टेंस मिल गया, और क्या दिया हुआ है सेकंड में, करंट 5 एम्पियर दिया हुआ है, तो आई इज इक्वल टू दिया हुआ है 5 एम्पियर, नोट करते चलिएगा, तो अब तीसरा जो है टाइम कितना दिया हुआ है 30 सेकंड का टाइम दिया हुआ है,
टाइम दिया हुआ है कितना, 30 सेकंड का टाइम दिया हुआ है। अब आपको सिर्फ कैलकुलेशन ही करना है तो ध्यान देंगे, तो यहां पर सिंपल सा पॉइंट होता है कि h इक्वल टू, अभी हमने बताया h इक्वल टू होता है i स्क्वायर आर टी के, तो आप देखेंगे i कितना दिया हुआ है 5 एम्पियर, तो यहां पर 5 का स्क्वायर करेंगे इंटू आर कितना दिया हुआ है 20, इंटू टी कितना दिया हुआ है 30 सेकंड, तो यहां पर ऐसे भी लिख सकते हैं 5 का 25, या फिर अगर आपको और भी जो इजी वे में लिखना है 5 × 5 ऐसे भी कर दिए नो प्रॉब्लम, तो हम डायरेक्टली जो है देख लेते हैं इसको 5 × 5 = 25 × 20 × 30 है 25 × 150, आप देख रहे हैं 2 × 3 = 6 और 25 × 6 = 150, तो इस तरह से सिंपल वे में जो है 15,000 आ गया, कितना आ गया 15,000 आ गया 15,000 15,000 जूल आया, कितना आया 15,000 जूल आ गया, तो आप यहां पर आसानी से देख लेंगे कि ये 15,000 जूल जो आया है। अब यहां पर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1, 2, 3, 4 डेसिमल को यहां कर दीजिए, यहां जाएगा 1.4, अब यहां पर डेसिमल को काउंट किया जा रहा है तो 1.4 × 10 यहां पर देखेंगे 1, 2, 3, 4 × 10 क्या जूल, ये सामान्य सा आंसर आपको मिल गया, एक सामान्य सा आंसर मिला कि 1.4 × 10 जूल का। तो इस तरह से आपने देखा कि क्वेश्चन जो है अराइज करेगा सिंपल सा। आइए देखते हैं थोड़ा सा पॉइंट ग्रेविटेशन पर भी देख लिया जाए, तो इस तरह से क्लास 10 पर और 11 पर जो क्वेश्चन अराइज किया जाता है मैंने उस तरह के सिंपल से क्वेश्चन को आपको बताए। अब आइए थोड़ा सा देखा जाए ग्रेविटेशन पर तो ग्रेविटेशन पर अगर हम देखते हैं सबसे पहले हमको इसमें न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन लगाना पड़ता है, क्या लगाना पड़ता है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन लगाना पड़ता है। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में हमको दो बॉडी लेनी पड़ती है, एक बॉडी ये है सेकंड बॉडी ये है, ये दो बॉडी हो गई जिस बॉडी को हमने कहा कि ये बॉडी ए है और ये बॉडी बी है, ये दो बॉडी होती है और यहां पर ये दो बॉडी दोनों बॉडियों का ये सेंटर हो गया और सेंटर की डिस्टेंस ये है और दोनों सेंटर से दोनों की डिस्प्लेसमेंट देख लिया जाए, तो ये देखते हैं सेंटर से दोनों की जो डिस्प्लेसमेंट है वो मीन्स दूरियां दोनों की है वो आर है और इस पर जो एक्टिंग फोर्स है इन दोनों के बीच का वो क्या है एफ है, एक बॉडी ए है और दूसरी बॉडी क्या है बी है। तो सिंपल सा पॉइंट है, आपने पढ़ा है हमने पढ़ा है कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ क्या होता है ग्रेविटेशन का, फर्स्ट पॉइंट व्हाट इज ग्रेविटेशन एक्सप्लेन द ग्रेविटेशन एंड सेकंड पॉइंट व्हाट इज ग्रेविटेशनल लॉ और व्हाट इज फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन्स और न्यूटन्स एक्सप्लेन द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, इस तरह से कहकर आपसे सिंपल से क्वेश्चन आपसे अराइज कर सकता है अराइज करता है। तो आप देखिएगा को यहां पर जो दिया गया है कि न्यूटन का जो है गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या है, तो बताया है ए और बी यदि दो ऑब्जेक्ट हैं, एक का मास हमने सपोज किया m1 है तो दूसरे का मास सपोज किया m2 है, दोनों के अलग अलग मास हो गए तो यहां पर आप देखते हैं फर्स्ट हमारा रूल क्या कहता है, न्यूटन फर्स्ट रूल ये कहता है कि या फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर मासेस m1 × m2 या फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर मासेस या इज प्रोपोर्शनल टू m1 × m2 कर दिया, और दूसरा देखते हैं f इज डायरेक्टली इन प्रोपोर्शनल टू देयर स्क्वायर वैल्यू ऑफ डिस्टेंस, तो आपने देखा यहां डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r² ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया और ये इक्वेशन सेकंड हो गया और इन दोनों को इसका m1 इसका m2 इन दोनों को आप ऐड कर देंगे f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 × m2/r² हो गया, तो यहां पर ये फार्मूला आपको मिल गया या फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 × m2/r² ये फार्मूला मिला आपको। अब यहां पर प्रोपोर्शनल है इसको कांस्टेंट में ले आइए, तो इसको हम कांस्टेंट में अगर लेके आ रहे हैं तो आप देख सकते हैं यहां पर हमने लिखा है f इज इक्वल टू जी m1 × m2/r² माय लविंग फ्रेंड्स, जी क्या है कैपिटल जी यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, क्या है
यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, इसको नोट करिएगा, स्मॉल जी नहीं बल्कि ये कैपिटल जी है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। क्या बोलते हैं इसको? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये जी जो होता है वो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, और इस बात का भी ध्यान रखेंगे कि जी की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट होती है। जी की वैल्यू जो होती है, जी का जो मान दिया जाता है 6.67 न्यूटन पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर किग्रा पावर माइनस 2। आप देखेंगे तो जी की जो वैल्यू है वह 6.67 इंटू 10 पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर माने एम स्क्वायर इंटू अगला क्या बच रहा केजी अपॉन केजी पावर माइनस 2। तो इस तरह से ये कैपिटल जी की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, और यहां पर फार्मूले से अगर जी की वैल्यू को फाइंड आउट करना होगा तो जी इक्वल टू हो जाएगा एफ आर स्क्वायर अपॉन एम वन इंटू एम टू। जी इक्वल टू हो जाएगा एफ आर स्क्वायर अपॉन एम वन इंटू एम टू। इस तरह से आपने देखा कि हम यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट को यहां पर फाइंड आउट कर लेते हैं, बहुत ही आसानी पूर्वक इसको फाइंड आउट कर लेते हैं। इस तरह से देखिएगा कि ढेर सारे न्यूमेरिकल है, कुछ न्यूमेरिकल पर हम आपको बता रहे हैं, बहुत ही सिंपल से न्यूमेरिकल, और हम चाहेंगे कि इस पर आप लोग कोई भी, इस पर कैपलर्स रूल है और सारे पॉइंट्स हैं तो देखते रहिएगा, और इस पर बहुत ही सिंपल से न्यूमेरिकल, कुछ न्यूमेरिकलों पर हम आपको फोकस कर रहे हैं, और जिन न्यूमेरिकलों पर हम, और ये भी देख लीजिएगा तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पर लिखेगा कि ये जो इक्वेशन ऑफ मोशन है, गति के समीकरण, इक्वेशन ऑफ मोशन, तो इक्वेशन ऑफ फ्री फॉल, तो इक्वेशन ऑफ मोशन में आप लोगों ने कई पॉइंट्स पढ़े होंगे, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए, ऐसे आपने ये थ्री इक्वेशन पढ़े हैं ना इक्वेशन ऑफ मोशन में, इसी का है, ग्रेविटेशन में ही है ये पॉइंट दिया गया है, और यदि जिन बच्चों ने ना स्टडी किया हो वो इसको स्टडी कर लेंगे, और इस पर न्यूमेरिकल पर विशेष ध्यान देंगे, जितने भी न्यूमेरिकल हैं उन सब पर ध्यान देंगे। तो आप देखेंगे तो पहला होता है वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी इज इक्वल टू क्या होता है, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। दूसरा क्या होता है, एस इज इक्वल टू, फर्स्ट इक्वेशन हो गया, सेकंड इक्वेशन होता है एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर सेकंड हो गया। थर्ड इक्वेशन होता है वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, ये थर्ड इक्वेशन हो गया। तो माय लविंग फ्रेंड, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, इस तरह से आप तीनों देखते हैं, और ये जो होता है सिंपल सा है, ऑसिलेटेड ऑब्जेक्ट के लिए, ऑसिलेटेड ऑब्जेक्ट के लिए है ये, जिसमें गति में परिवर्तन हो, वेग में परिवर्तन हो, ऐसे के लिए आप लगाएंगे, और जब फ्री फॉल बॉडी हो जाती है तो वहां पर हम जी और एच का यूज करना शुरू करते हैं। आइए देखते हैं, अगर फ्री फॉल बॉडी है तो उसके लिए हम क्या जो है करते हैं, उसके लिए हम करते हैं कि वी इज इक्वल टू, अगर फ्री फॉल बॉडी है, यहां पर मैं लिख दे रहा हूं फ्री फॉल बॉडी, अगर ये फ्री फॉल बॉडी है तो फ्री फॉल बॉडी के लिए हम यहां पर लिखेंगे वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी है, ए टी ना लिख करके हम लिखेंगे जी टी, क्या लिखेंगे जी टी। दूसरा है, अगर हम हाइट पर चल रहे हैं तो एच इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, और तीसरा होता हमारा वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू जी एच है यहां पर, तो यस जो दिया है जी एच अब कर देंगे, यहां पर यस दिया है, यस डिस्टेंस है, यहां पर हाइट हो जाएगी, फ्री फॉल बॉडी के लिए हाइट हो जाएगी, तो टू जी एच हो जाएगा। यहां पर आपने देखा कि थ्री इक्वेशन हमने अंदर निकाले जो फ्री फॉल बॉडी के लिए है, और ये प्लेन मोशन के लिए है जो कि एक्सीलरेटेड होगा, तो ये प्लेन मोशन के लिए जो एक्सीलरेटेड होगा उसके लिए थ्री इक्वेशन हो गए, और ये थ्री इक्वेशन आ गए आपके फ्री फॉल बॉडी के लिए, और फ्री फॉल बॉडी के लिए आपने देखा वी इक्वल टू यू प्लस जी टी, एच इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू जी एच। इस पर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है माय लविंग फ्रेंड्स,
तो मैं अलीमुद्दीन शेख कादरी, आप लोगों को इसका न्यूमेरिकल प्रॉब्लम अपने नेक्स्ट यूट्यूब वीडियो पर देंगे। और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और हमारा जो है अगला टॉपिक, अगला वीडियो हमारा केमिस्ट्री पर भी होगा और फिजिक्स पर होगा। आज हमने एक शॉर्ट वीडियो ये बनाया है, जो आप लोग इसको सॉल्व करते रहिए, देखते रहिए। इसके बाद हमारा अगला और लंबा वीडियो जल्द ही एक दो दिन के अंदर अंदर हम आपको एक अगला वीडियो जो है आपको देंगे। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेना चाहते हैं, और इस उम्मीद के साथ कि आप लोग पूरी तरह से इसको प्रिपेयर रखेंगे, फार्मूला प्रिपेयर रखेंगे, न्यूमेरिकल हम फटाफट आपको कराते चले जाएंगे। इसी के साथ जो है अब हम आप चलते हैं। थैंक यू।